So in this question, a line passes through the point of intersection of 2x plus y is equal to 5 and x plus 3y plus 8 is equal to 0. And parallel to the line, 3x plus 4y is equal to 7. तो अगर इसे अपन ax plus by plus c की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. तो जो अपन को जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है. तो अगर वो पैरेलल है तो सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट है वो बदलता है, ठीक है, और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो 2x plus y is equal to 5 और x plus 3y minus is equal to minus 8. तो इसका अगर अपन इंटरसेक्शन निकालें तो इसका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आता है. तो दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली वाली से माइनस कर देंगे, ठीक है. तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5y और इधर आ जाएगा 5 माइनस 16, 5 प्लस 16, ठीक है. तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 21 अपॉन माइनस 5, ठीक है. तो ये y की वैल्यू आ गई. और अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 प्लस 21 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज फर्दर इक्वल टू, ये आ जाएगा 46 अपॉन 10, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 23 अपॉन 5, ठीक है. तो आ गई x की वैल्यू, अपन को x और y मिल गया, ठीक है. तो अगर अपन इसको ऐसे लिखें 3x plus 4y minus c is equal to 0 या फिर plus c is equal to 0, तो यहाँ से अपन को c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. तो x की वैल्यू अपन ने पुट करी 23 अपॉन 5, तो ये जाएगा 3 इंटू 23 अपॉन 5. और y की वैल्यू रखी अपन ने तो ये जाएगा 4 इंटू 21 अपॉन माइनस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो यहाँ से c की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है. तो ये हो जाएगा 69 अपॉन 5 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा 84 अपॉन 5 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अपन c की वैल्यू देखने क्या आती है. तो 84 माइनस 69, 84 में 69 जब जाएंगे तो आ जाएगा अपना 15, ठीक है. और क्योंकि माइनस का 84 है तो यहाँ आएगा माइनस अपॉन 5 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है. तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, अगर अपन c की वैल्यू से पुट कर दें तो अपनी इक्वेशन बनेगी 3x plus 4y plus 3 is equal to 0. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज आर रिक्वायर्ड आंसर.